Realme ने हाल ही के दिनों में लॉन्च किया था अपना एक नया बजट फोन जिसका नाम है Realme 5S। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस की। आप देख रहे हैं तो मोबाइल इंडियन और मैं हूं रोहन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना इसको प्रेस करना ना भूलिएगा। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसके प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये फ़ोन दो वेरिएंट्स पे अवेलेबल है, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसका दाम है 9,999 रुपये, और 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसका दाम है 11,999 रुपये। और ये फ़ोन अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट पे 29 नवंबर से। तो इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो स्टार्ट करते हैं Realme 5S की अनबॉक्सिंग। तो एक बार बॉक्स हटा देते हैं, आपको फिर से बताते हैं क्या क्या इस फ़ोन में आपको मिलता है। आपको मिलता है नया फ़ोन, साथ ही आपको मिलता है वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड, आपको मिलता है केस, आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी केबल, और आपको मिलता है एक पावर एडाप्टर। तो इन चीज़ों को साइड कर लेते हैं और अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो Realme 5S एक काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखने वाला डिज़ाइन है। जो डायमंड कट फिनिश आप देख रहे हैं जो Realme की एक स्पेशलिटी बन चुकी है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है और काफ़ी हल्का लग रहा है फ़ोन पकड़ने में। अगर आप उसकी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो बैक पैनल है आपको 4 कैमरास मिलते हैं, साथ ही आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की साइड दे रखी है Realme की ब्रांडिंग। राइट साइड की बात कर ले तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, वहीं अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम बटन और सिम स्लॉट। बेस की बात करें तो यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, साथ ही आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल और एक 3.5mm जैक। जो उसका टॉप पैनल है वो एकदम ब्लैंक है। ओवरऑल अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी सुंदर दिखने वाला फ़ोन है, काफ़ी हटके दिखने वाला फ़ोन है ये Realme की तरफ से। बाकी अगर आप फोन देखेंगे इस प्राइस रेंज में तो आपको एक नॉर्मल ग्रेडिएंट फिनिश मिलती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक हटके चीज़ दी है जो एक अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। Realme 5S में आपको मिलता है एक 6.51 इंच का HD+ डिस्प्ले जो आता है 1600x720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी स्टार्टिंग में, अगर आप देखें जो व्यूइंग एंगल से हमें नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, और जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा ब्राइट आपको फील देगा। लेकिन अगर आप बाकी कॉम्पिटिशन को देखें जैसे Redmi Note 8 हो गया या इवन Vivo का जो हाल ही में लॉन्च हुआ है Vivo U20 हो गया, वहाँ पे आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट डाउन होगी, कंपनी ने आपको खाली HD+ डिस्प्ले दिया है। अगर इसके हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, और साथ ही आपको मिलती है अपटू 4GB ऑफ रैम और अपटू 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। आप स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं विया माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट। जो इसकी परफॉर्मेंस है Realme 5 अगर आपने यूज़ किया है तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर टाइप की परफॉर्मेंस मिलेगी। आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भैया एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस ही देगा। मिड रेंज जो बजट स्मार्टफोन है और जो 665 चिपसेट है वो आपको डे टू डे टास्क में कोई ज़्यादा इतना हिंडर्स नहीं देगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी कठिनाई आने की उम्मीद है। लेकिन अभी हमने इसको अच्छे से टेस्ट नहीं किया है तो आपको नहीं बता सकते कि भैया इसका जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी। चलते एक बार बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे आपको मिलता है कलर OS 6.1 जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 9.5 पे। अगेन यहाँ पे जो यूज़र इंटरफेस है वो वही सेम इंटरफेस है जो बाकी आपको Realme के फ़ोन पे मिलता है। अच्छी बात यहाँ पे यही है कि आपको एक ऐप ड्रॉ सपोर्ट मिल जाता है जिसकी वजह से आप इजीली जो ऐप्स हैं आप उनको ऐप ड्रॉ के थ्रू देख सकते हैं, होम स्क्रीन आपकी क्लटर नहीं होगी। जो एक मेजर प्रॉब्लम हमें लगी वो लगी इसके ब्लॉटवेयर। यहाँ पे काफ़ी सारा ब्लॉटवेयर आपको देखने को मिलता है जैसे फेसबुक, अमेजोन, हेलो, साथ ही आपको मिलता है पेटीएम, ओपरा न्यूज़, VPS ऑफिस, UC ब्राउज़र और बाकी ऐप्स। तो लेकिन जो मेजर गौर करने वाली ऐप्स हैं वो हैं हॉट ऐप्स और जो हॉट गेम्स का जो फोल्डर है। ये दो फोल्डर बेसिकली आपको जो पेड एडवर्टाइज ऐप्स है वो दिखाता है। ये अभी भी Realme के फ़ोन्स में मौजूद है और इतना हल्ला मचा हुआ था कि भैया मुझे ऐसे कोई मुझे ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट टाइप का नहीं चाहिए। तो देखने वाली बात यही होती है कि आने वाले जो कलर OS है जो नवंबर 27 को लॉन्च होने वाला है वहाँ पे कंपनी ये चीज़ हटाती है या नहीं हटाती है। तो अब आ जाते हैं इसके कैमरा की जो इसके मेजर हाईलाइट है। तो यहाँ पे आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप जो आता है 48 MP प्राइमरी लेंस के साथ, साथ ही आपको मिलता है एक 8 MP का वाइड एंगल लेंस, एक 2 MP का डेप्थ सेंसर
और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। अगर इसके कैमरा यूआई की बात कर ले तो काफ़ी ईजी टू यूज़ कैमरा यूआई है, काफ़ी मिनिमलिस्टिक लगता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिलते हैं जैसे वीडियो, फोटो और पोर्ट्रेट। यहाँ पे एक हैमबर्गर मेन्यू दिख रहा है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको और मोड्स मिल जाते हैं जैसे अल्ट्रा 48 मोड, नाइटस्केप, पैनो, एक्सपर्ट, टाइम लैप्स, स्लो मोशन और अल्ट्रा मैक्रो। तो अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी जो आता है नॉर्मल एक चार्जर के साथ। अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि कंपनी कम से कम 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया होता, क्योंकि वीवो U20 में आपको ये सेम चार्जर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप 5000 की बैटरी आप मान रहे हैं तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपको 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो आराम से मिल जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं तो मान के चलिए कि 1 दिन तो आपका ये फ़ोन खींच लेगा। अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। एक बार आपको फिंगरप्रिंट टेस्ट करके दिखा देते हैं कि कितना फास्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, काफ़ी बहुत जल्दी अनलॉक करता है जो कि एक अच्छी बात है। और एक बार उसके फेस अनलॉक फीचर को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये लो लाइट में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है कि नहीं। तो अब आगे इस वीडियो के एंड में जाके हम आपको बताएंगे इस फ़ोन का फर्स्ट इम्प्रेशन। तो भैया Realme 5S तो एक काफ़ी सुंदर दिखने वाला फ़ोन है, नो डाउट। ये जो ग्रेडिएंट, जो डायमंड कट फिनिश आपको पीछे दिख रही है वो बहुत शानदार लगती है, बहुत अच्छा लगता है आपको देखने में। और इसके अलावा जो ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज है काफ़ी हमें अच्छी लगी। जो उसका डिस्प्ले है, थोड़ा सा हम निराश हुए थे कि कंपनी ने आपको HD+ डिस्प्ले दे रखा हुआ है, क्योंकि बाकी जो कंपटीशन है आपको Full HD+ डिस्प्ले देता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी स्पेक्स हैं और जो बाकी सब चीज़ें हैं, कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं है अगर आप Realme 5 से कंपेयर करते हैं। तो अगर आप 48 मेगापिक्सल का जो क्वाड कैमरा है उसको हटा दीजिए तो ऑलमोस्ट ये Realme 5 ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोबाइल इंडियन।